खंडवा में बन रहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्विमिंग पूल का डोम भरभरा के नीचे गिर गया। गनीमत रही कि जिस समय डोम नीचे गिरा उस समय काम कर रहे मजदूर खाना खाने बाहर गए हुए थे, वरना 25 से ज्यादा लोगों को मौत इस हादसे में हो जाती। 4 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इस स्विमिंग पूल पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में सामने आया कि निर्माणाधीन स्विमिंग पूल में जिस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जा रहा है वो घटिया है, साथ ही इसके डिजाइन में भी कई खामियां हैं। देखिए एक रिपोर्ट। खंडवा में 4 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे इंटरनेशनल लेवल के स्विमिंग पूल की छत बुधवार दोपहर अचानक गिर गई। दोपहर के समय जब यह हादसा हुआ उस वक्त काम कर रहे मजदूर खाना खाने गए थे, इसलिए किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन छत गिरने के निर्माणाधीन स्विमिंग पूल में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल जरूर खुल गई। यहां सेठी कंस्ट्रक्शन नाम की एजेंसी काम कर रही है जिसे नगर निगम ने ठेका दिया है। नगर निगम के इंजीनियर का कहना है कि ट्रस यानी छत में लगने वाले लोहे के पाइप कल से ही लगाना शुरू हुए हैं, शायद एक साथ ट्रस लगाने से कोई बेल्ट लगाना भूल गए होंगे, इसलिए हादसा हो गया। ऐसे में सवाल यह बनता है कि अगर हादसे के वक्त किसी की जान चली जाती तो जवाबदार कौन होता। इधर स्विमिंग पूल का डोम गिरने की खबर मिलते ही कांग्रेस के नेता कुंदन मालवीय भी घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में बढ़ते भ्रष्टाचार के चलते भाजपा की सरकार गिरी है, वैसे ही अब उनके किए भ्रष्टाचार भी गिर रहे हैं। कांग्रेस नेता मालवीय ने कहा कि वे इस हादसे और अन्य भ्रष्टाचारों की फाइल लेकर मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इनकी जांच की मांग करेंगे। स्विमिंग पूल बनाने का जिम्मा नगर निगम के पास है, ऐसे में निगम की जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती है, लेकिन जब हमने निगम आयुक्त से इस हादसे को लेकर बात की तो वह अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट का काम चल रहा था जो गिर गई, बिना पूछे ही उन्होंने कहा कि उसका भुगतान ठेकेदार को नहीं हुआ है। निर्माण के दौरान किसी प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार की ही होगी, निगम उसे भुगतान नहीं करेगी। हालांकि इस स्विमिंग पूल का निर्माण पहले जन भागीदारी से किया जा रहा था, बाद में इसे नगर निगम को सौंप दिया गया और देखरेख में इसका निर्माण किया जा रहा है। दरअसल खंडवा में स्विमिंग पूल का सपना 2011 में जिला कलेक्टर रहे कविंद कियावत ने देखा था। उनकी मंशा थी कि स्विमिंग पूल बनने से यहां के बच्चे तैराकी में अपना हुनर आजमा कर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। इसके लिए उन्होंने जन भागीदारी के माध्यम से शहर से पैसा भी जुटाया था। इस हादसे के बाद उन लोगों को भी झटका लगा जिन्होंने इस सपने को पूरा करने में अपने खून पसीने की कमाई लगाई है। उन्होंने कहा कि इस हादसे के लिए शासन प्रशासन के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार हैं। स्विमिंग पूल की छत गिरने की खबर लगते ही जिला कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने निगम आयुक्त को मौके पर भेजकर जानकारी जुटाई। कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने कहा कि उन्हें जिस तरह जानकारी मिली है उससे पता चलता है कि डोम के डिजाइन में कोई खामी थी जिसके चलते ये हादसा हो गया। भ्रष्टाचार पर उन्होंने कहा कि जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम भारती न्यूज। नहीं देखिए, इस लोगों इस समय में जब हमसे मांग की गई थी तो उस समय हमारे सामने एक ही परिदृश्य था कि शहर को कुछ मिल रहा है, और हमने बड़ी ईमानदारी से जो भी हमें शासन से निर्देश प्राप्त हुए हमने उस निर्देशों का पालन किया। लेकिन आज जो घटना हुई है इससे व्यक्तिगत तौर पर मैं ये कहूँ तो काफ़ी आहतों में ऐसी घटना नहीं होना चाहिए। जिला प्रशासन को, निर्माण एजेंसी को इस कार्य को बड़ी ईमानदारी से देखना चाहिए, और उस स्थिति में जब जन भागीदारी से पैसा लगा हुआ है तो शासन की ईमानदारी और अधिक होना चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये वास्तव में ये निंदा का विषय है और दुर्भाग्य का विषय है। नहीं, शहर वालों को तो साहब एक सपना दिखाया हुआ था, और शहर वाले मान भी रहे थे कि एक कलेक्टर ने पहल की है तो ये काम निश्चित समय में पूरा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से अब एक उम्मीद जगी थी कि शायद 2019 में शुरुआती दिन में या ग्रीष्मकाल से पहले ये सुविधा मिलेगी, लेकिन जो घटना हुई है इससे तो ऐसा लग रहा है कि शायद 1 साल 6 महीने 2 साल और भी इंतजार करना पड़ सकता है। ये अभी आने के बाद मैंने जब ये नज़ारा देखा है तो ऐसा लगा जैसे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरी उसके बाद ये भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार गिर रहे हैं, और ये उसकी वानगी है। मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि यहाँ कोई जान माल की हानि नहीं हुई। माल की तो हुई है पर जान की हानि नहीं हुई। लेकिन ये दृश्य जो है ये इस बात का सबूत है
कि भ्रष्टाचार की जड़ें भारतीय जनता पार्टी की सरकार में किस हद तक गहरा चुकी थी। आप देखिए कि खंडवा में स्विमिंग पूल बनाया जाना एक सपना बन गया था, ये 1 करोड़ रुपए से चालू होकर 4 करोड़ रुपए तक चला गया। और हैरानी की बात यह है कि मुझे ऐसा पता चलता है कि 75% से ज़्यादा राशि इस स्विमिंग पूल के लिए जो है पास हो गई, निकाल ली गई, लेकिन ये स्विमिंग पूल अभी भी वहीं का वहीं खड़ा हुआ है और इसके हालात देखकर नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी भी पूरा हो जाएगा। क्या ये लगता है जिस तरह से हादसा हुआ है इसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल जांच होनी चाहिए। और मैं जानता हूँ इस विषय में बहुत सारी बातों को जानता हूँ कि इसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं इसमें शामिल हैं और ये तमाम भ्रष्टाचार के लिए वो दोषी हैं। और ऐसे बहुत सारे भ्रष्टाचार हैं जिन पर मेरी दृष्टि अभी फिलहाल खंडवा विधानसभा क्षेत्र में है, जो मैं सबूत के साथ आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो समय आने पर आपको दूंगा, तो उसकी एक वानगी आपके सामने है जो स्वयं सबूत बनकर खड़ी है। ये इसका गिर जाना इस बात का सबूत है कि यहाँ पर कोई भी काम ईमानदारी से नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री जी से आप मिलेंगे तो क्या कुछ बताएंगे उनको? बिल्कुल, ये तमाम रिपोर्ट्स मैं उनको अभी ले जाके, इनकी तस्वीरें मैंने खींची है और मैं ले जाके माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाऊंगा। और इसके अलावा भी मैंने जो कई दस्तावेज इकट्ठे किए हैं शहरी क्षेत्र के और ग्रामीण क्षेत्र के, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक, महापौर और अन्य नेताओं ने जिस तरह से सत्ता में रहकर जनता के पैसे को लूटा, खसोटा और जनता को मूर्ख बनाया और अपना घर भरते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे तमाम जिम्मेदार नेता जिन्होंने ये भ्रष्टाचार किए हैं, ये निश्चित तौर पर जेल जाएंगे। ठीक, एजेंसी काम कर रही है सोनलाल सिटी, इसमें वो लोग जो ट्रस्ट है इसका इरेक्शन का काम कर रहे हैं, वो काम में क्या कल ही से इन्होंने सभी ट्रस्ट एक साथ चलाना शुरू करी, हो सकता है एक साथ चलाने में जल्दबाजी में कोई बोल्ट वगैरह नहीं कर पाए होंगे, इसलिए एक ट्रस्ट गिरी, बाकी उसके कारण सब ट्रस्ट गिर गई। अभी जब छत गिरी यहाँ कोई था किसी तरह का क्या नुकसान हुआ? खाने का समय था, लंच का समय था, इसलिए सब लोग खाना खाने गए हुए थे, इसलिए कोई जनहानि नहीं हुई। ठीक है, अपना परिचय? परिचय नगर पालिक निगम दिलीप पाल। नहीं नहीं, स्विमिंग पूल छत नहीं गिरी, एक्चुअली में वहाँ पर ट्रेस का काम चल रहा था, ठेकेदार ही काम कर रहा था, कोई भुगतान नहीं हुआ है। और ट्रस्ट निर्माणाधीन में अगर गलती है तो सब ठेकेदार की जिम्मेदारी रहती है, निगम के द्वारा उसमें कोई भुगतान नहीं किया गया ना भुगतान किया जाएगा। पहले ये कलेक्टर की जन भागीदारी समिति द्वारा निर्माण किया जा रहा था, नगर निगम के पास ये काम नहीं था। अभी पिछले दिनों 2 साल पहले ही हमको इसको निर्माण करने के लिए कलेक्टर महोदय ने हस्तांतरित किया है और हमने इसके शासन स्वीकृति प्राप्त कर भी साल भर पहले से काम इसको जीर्णोद्धार का शुरू किया है। आगामी 6 माह में पूर्ण होने की उम्मीद है। कितनी लागत है ये? लगभग 4 करोड़। पहले क्या लागत? पहले तो ओपन वाला था तो उसकी लागत कम थी, 1.5 करोड़ करीब थी, जो बाकी हमने इसको आधुनिक रूप देने के लिए अच्छा ट्रस्ट करवा के किया है। मैं लगभग 1.5 करोड़ के आसपास भुगतान हो गया होगा, एग्जैक्ट देख के तो मैं बता पाऊँ फाइल देख के ही। कौन कंपनी काम कर रही है और इसमें कौन है? एक मिनट, इसका नाम भी तो सेठी एंड सेठी है, जो संगीत महाविद्यालय भी बना रहे हैं।